कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है किरण राघव। स्वागत है आपका प्रसिजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज की क्लास में हम सी सेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सी सेट की क्लास, पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि जो परसेंटेज वाला जो टॉपिक था, परसेंटेज का जो टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया था। साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, इनको भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो प्रॉफिट एंड जो लास्ट का जो टॉपिक है, इसकी शुरुआत हम यहाँ से करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर सेशन की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप टेलीग्राम के ऐप में जाकर के ही जो प्रिसीजन आईएएस आप जाकर के जब सर्च करेंगे तो आपको चैनल का नाम मिलेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको वहीं पर ही डेली बेसिस पर इसकी पीडीएफ जो है वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, होपफुली आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी सी सेट को इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपने कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फार्मूला होता है प्रॉफिट के लिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे कि हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस में क्या रहेगा कि अगर हम हिंदी में बात करें, इसको क्रय मूल्य कहा जाता है, और जो सेलिंग प्राइस है इसे हम विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए ये बेसिक फार्मूला है। आपको याद रखना है कि जब भी हम परसेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, यानी कि जब भी हम क्वेश्चन के माध्यम से परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसमें हमें एक फार्मूला, सिंपल यही वाला फार्मूला का प्रयोग करना है। आपको इसको जो है याद रखना है। जैसे इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है और माइनस जो कॉस्ट प्राइस है ये दिया गया है। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखना है। माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई हम कॉस्ट प्राइस करेंगे, जो भी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद जो है 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें इसकी जो परसेंटेज की जो वैल्यू है प्रॉफिट की, या अगर हम बात करें कि जो लॉस की, दोनों की हमें यहाँ पर वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी नोट में दे रखा है कि हमेशा हमेशा जो भी प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा, ये कौन सी प्राइस पे निकलेगा, ये जो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाएगा। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमें ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूला है इसको ध्यान रखना है, प्लस जो वैल्यू जो निकाली जाएगी, जो भी प्रॉफिट या जो लॉस हम निकालेंगे क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर दिया होगा कि हमें लॉस निकालना है, तो वो भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो वो भी हम जो है कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। हालांकि एक मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करते चले चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो पहले क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जैसे किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ उसे प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। यानी क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी निकालना है, और बेचने पर क्या है, यानी यहाँ पे बेच रहा है सेलिंग प्राइस दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए कि अगर उसे 100 रुपये बेच, जैसे मान के चलिए अगर ये कोई वस्तु है, ये कितने में बेच रहा है, उसे 100 रुपये में बेच रहा है, यानी कि ये जो वस्तु है ये अपने आप में कितनी है 100%। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसे 25% का, यानी कि उसे 25% जो एक्स्ट्रा मनी जनरेट हो रही है। ये टोटल कितना हो गया, 125%। ठीक है, अब इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि जो भी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, यानी कि एसपी दे रखा है 100 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये दे रखा है 25%, और हमें यहाँ पे सीपी जो है निकालना है। ठीक है, अब सिंपली जब भी नोट वाली जो बात करें कि नोट में क्या लिखा था कि हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाएगा। तो यानी कि देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए, तो जो भी ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है, प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है, 25% का, लेकिन वो वस्तु अपने आप में कितनी होगी, 100% तो होगी। तो यहाँ पे 125% होगा, परसेंट को हटाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 100 से। फिर हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 100 रुपीज़। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे 4, 5, और जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। तो जब 20 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो सीपी की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये यहाँ पे आएगी 80 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगी, एक्चुअल जो कॉस्ट आई है उस वस्तु को खरीदने में 80 रुपये आई है। ठीक है, तो ये जो है उसकी क्या हो गई, ये जो है क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या निकालना था, सीपी ही निकालना था, यानी कि जो क्रय मूल्य था उसे ही निकालना था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन को बिना समझे आप जो है हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन को यहाँ पे भी प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, सुरेश नाम का एक व्यक्ति है, वो एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदता है, खरीद रहा है, यहाँ पे 1000 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि ये क्या हो गई, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। तथा
1125 रुपये में बेचता है, 1125 रुपये में बेचता है, ये क्या हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो लाभ होगा या हानि होगा ये हमें नहीं पता, हमें निकालना है। लाभ होता है तो और हानि नहीं होती है तो हमें निकालनी है कितने परसेंट की जो है यहाँ पे लाभ और हानि होती है, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे SP की जो वैल्यू देखेंगे तो SP की वैल्यू है 1125 रुपये, और जो CP की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखी है 1000 रुपीज़। और हमने परसेंट ऑफ प्रॉफिट का जो फार्मूला बताया था, परसेंट ऑफ प्रॉफिट का जो फार्मूला बताया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब आपको यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1125 माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 125 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 12.5। ये क्या हो रहा है, प्लस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर माइनस में वैल्यू आती तो उसे क्या होता, उसे हानि होती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12.5% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक मरम्मत की घड़ी है, कोई घड़ी है जिसे मरम्मत की के लिए कोई दुकान में मतलब गया होगा या उसे कुछ खरीदा होगा, एक मरम्मत की घड़ी जिसका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या है, CP, क्रय मूल्य 1000 रुपये है, और उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए उसे यहाँ पे 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो यहाँ पे जो CP है ये कितना है, 1000 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, हमें जो है विक्रय मूल्य जो है निकालना है। तो चलिए अब देखिए, अभी तक हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते आ रहे थे ना, नोट का पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट था, जो नोट में लिखा हुआ था कि जो भी हम क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य का जो भी होगा वो हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई हमें जो है निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है, यानी कि 100 में कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होगी, 100 में अगर 20 माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा, 80%। तो यानी कि यहाँ पे 80 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज के चिन्ह हटाने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो SP हमें निकालना है, SP की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें CP की वैल्यू मालूम है, कॉस्ट प्राइस, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100 इक्वल SP, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट कराएंगे, 8 का मल्टीप्लाई बाई से होगा, तो यानी कि जो SP की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 800 होगी। ये क्या है, ये उसका जो है विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, ये क्या होगा, ये उसका जो है विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो कितने बेसिक से क्वेश्चंस हैं, अभी बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम एडवांस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे अभी, क्योंकि बिना बेसिक के आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए समझने की बात है, कह रहा है कि एक कमला नाम की कोई महिला है, एक घड़ी को विक्रय मूल्य के 25%, अभी तक हमने क्या निकाला, हम जो है हम क्या निकालते थे, CP पे जो भी होता था उस पर लाभ और हानि निकालते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में ये है कि विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर वो जो है बेच देती है, तो हमें क्या निकालना, वास्तविक लाभ प्रतिशत यहाँ पे निकालना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं जो उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितने का रहा होगा, 100 रुपये का रहा होगा, ठीक है, 100 रुपये का रहा होगा। तो अब यहाँ पे इसे क्या प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25% का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। फिर देखिए जब हम क्वेश्चन में क्या कर सॉल्व करते थे कि जब भी कॉस्ट वैल्यू पे, कॉस्ट प्राइस पे ही हम जो है परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो है निकालते थे, तो इसका मतलब क्या है, जो भी उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस रही होगी, यानी कि जितने में वो खरीदा रहा होगा प्लस जो उसका प्रॉफिट रहा होगा, वही हो सकता, वो किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, ये इक्वेशन बन रहा है। और हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू, हमें CP निकालना है, ठीक है, CP निकाल लेंगे तभी तो हमारा जो ये जो वास्तविक लाभ है ये निकलेगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए हम P उस साइड माइनस ले जाएंगे, तो SP माइनस P, तो अब SP की वैल्यू हमें मालूम है 100, ठीक है। अब जब इसका जब आप निकालेंगे 25%, तो ये कितना आएगा, 25, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है, विक्रय मूल्य के 25%, तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 रुपीज़ ही तो आएगा, तो यहाँ पे 25 से हम माइनस करा देंगे, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 25 रुपीज़, ये क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब यहाँ पे अब देखिए आपके पास जो है SP की वैल्यू भी है और CP की वैल्यू, अब परसेंट ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला लगा दीजिए, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। अब आपके पास जो है यहाँ पे जो है दोनों की वैल्यू है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो है आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100,
तो आप इसको कराएंगे 3, जब आप इसको कराएंगे तो लगभग लगभग आपको 33% का उसे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। या तो आप इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे आएगा, 3, ठीक है। तो ये जो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन, ये जो इस केस का जो टाइप का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है याद रखना है, ठीक है। हम वो करेंगे अगले एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि देखिए, 3 हीरे हैं, हीरों का क्रय मूल्य यानी कि ये क्या है CP, और 4 हीरों का विक्रय मूल्य क्या है SP के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको निकालनी है। चलिए, 3 CP कह रहा है वो 4 हीरो के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो जब आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके का कुछ इक्वेशन बनेगा, CP डिवाइड बाई SP बराबर 4/3। अब आपको CP की वैल्यू पता है, SP की वैल्यू पता है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे SP माइनस CP डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100, तो SP कितना है, SP 3 है, और CP कितना है, 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का 1% डिवाइड बाई 4 इंटू 100, तो यहाँ पे आप करेंगे तो माइनस का 25% की यहाँ पे जो है क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि जो है लॉस हो रहा है। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने कुछ इनिशियल बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, यानी कि हम बात करें तो बेसिक क्वेश्चन को ही सॉल्व किए हैं। ये 5 क्वेश्चन है, अगले आने वाली क्लास में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।